दोस्त, नया साल 2024 में आप होंडा एक्टिवा स्कूटर खरीदने सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि होंडा एक्टिवा स्कूटर का प्राइस हो गया कम। और दोस्तों, होंडा एक्टिवा स्कूटर का एक अपग्रेड वर्जन होंडा एज स्मार्ट जो आपके सामने देख सकते हो, इस स्कूटर है होंडा एक्टिवा का टॉप मॉडल। इस स्कूटर पे आपको रिमोट कंट्रोल फीचर्स मिलेगा। बट दोस्तों, आपको जो दिखाऊंगा होंडा एक्टिवा का जो एसटीडी मॉडल आप देख सकते हो 110 सीसी वाला, इस स्कूटर बहुत ही सिंपल और एक बेस मॉडल है। इस स्कूटर का प्राइसिंग है दोस्तों, ऑन रोड आपको मिल जाएगा 96,000 रुपीज के आसपास। आपका सिटी में दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आरटीआई जो जैसा इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट सिटी में डिफरेंट होता है। एक्टिवा एसटीडी मॉडल का जो मीटर कंसोल आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, और एक्टिवा 110 ऑल मॉडल इंजन आपको सेम टू सेम मिलेगा सब मॉडल पे। ये है बेस मॉडल, आपको इंजन मिलेगा दोस्तों 109.7 सीसी 4 स्ट्रोक BS6 OBD2 अपडेटेड इंजन। दोस्तों, इस स्कूटर का माइलेज भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, देखने भी आपको सिंपल स्टाइलिश लुक मिलेगा, और सीटिंग कॉम्पोनेंट दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। डेली यूज करने के लिए, रेगुलर ऑफिस जाने के लिए, फैमिली यूज के लिए स्कूटर बेस्ट है। और एक्टिवा ऐसा एक स्कूटर है दोस्तों, इट इज गोल्ड। एक्टिवा का फुल बॉडी आपको फाइबर का मिलेगा, बट इसका जो सामने वाला मडगार्ड आपको मेटल का मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक खासियत चीज आपको बताऊंगा, एक्टिवा बहुत दिनों से मार्केट लीडर है। इस स्कूटर अभी नहीं आया, 2002 से लॉन्च किया है कंपनी ने। इसका जो डिमांड हाई डिमांड है, क्योंकि इसका माइलेज और इसका इंजन परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही स्मूथ है। और नया साल पे जो अपडेट हो चुका है, इस पे आपको OBD2 और E20 का अपडेट मिल जाएगा, जिसके जरिए इंजन परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, और इसका जो माइलेज दोस्तों ना आपको कमाल का मिलेगा। तो दोस्तों, आप लॉन्ग राइड पे राइड एंड जो डेली यूज करने के लिए स्कूटर बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, ये देखिए पीछे की तरफ मिलेगा आपको पेट्रोल टैंक, आप बैठ के ही पेट्रोल इस पे भर सकते हो दोस्तों। एक सिंपल बटन के जरिए पीछे की तरफ ढक्कन खोल जाएगा, यहाँ पर आप पेट्रोल भर सकते हो। इस पे पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर, और इस पे माइलेज मिलेगा आराम से 57 से 62 के आसपास माइलेज निकल सकते हो, डिपेंड करेगा आपका राइडिंग कंडीशन के ऊपर। दोस्तों, E20 का अपडेट हो चुका है, और एक खास चीज है, इस स्कूटर का जो सीटिंग कॉम्पोनेंस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। डेली यूज करने के लिए, लेडीज वगैरह के लिए स्कूटर बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। इस स्कूटर पे आपको मीटर कंसोल फुल्ली एनालॉग मिलेगा, और इसका जो हेडलाइट आपको हैलोजन बल्ब का मिलेगा। एक चीज और दिखाऊंगा आपको, एक्टिवा का जो बूट स्पेस आप देख रहे हो, इसका स्टोरेज आपको एक हाफ हेलमेट आप कैरी कर सकते हो इजिली। तो आते हैं मुद्दे के बाद, क्या आपको स्कूटर को खरीदना चाहिए नया साल पे। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, आपका बजट 1 लाख रुपीज का अंदर है तो, और आप एक ऐसा स्कूटर खरीदने सोच रहे हो जो लॉन्ग टर्म हो और डेली कम्यूटर के लिए बेस्ट हो, माइलेज भी अच्छा खासा मिले, आपके लिए बेस्ट होगा एक्टिवा। क्योंकि दोस्तों, इसका माइलेज भी अच्छा खासा है, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंड फैमिली एंड रेगुलर यूज करने के लिए स्कूटर बहुत ही बेस्ट है। होंडा एक्टिवा 110 एसटीडी मॉडल आपके सामने है, इसका बहुत सारे वेरिएंट है। होंडा एक्टिवा स्कूटर पे जो फीचर्स मिलेगा आपको, कोई भी अदर स्कूटर पे आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा, वो है स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की। सो दोस्तों, क्या है न्यू साल का इस स्कूटर का प्राइसिंग, और क्या है न्यू अपडेट फीचर्स, सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो पे थ्रू। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। पहले बात करूंगा जो मेन चीज, इस स्कूटर का प्राइसिंग। दोस्तों, आपको ऑन रोड स्कूटर को मिल जाएगा 1,10,000 रुपीज का अंतर। ये है होंडा एक्टिवा 8 स्मार्ट मॉडल। सो आपका सीट में थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आरटीओ चार्जेस एंड इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट सिटी में डिफरेंट होता है। इस स्कूटर पे बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, इस प्राइस रेंज पे आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा है, एक अपडेट रिफाइन इंजन एक्टिवा पे। और दोस्तों, इस स्कूटर पे माइलेज हो गया अपडेट, क्योंकि इस पे E20 के फीचर्स आ गया है। आपको माइलेज भी मिलेगा 52 से लेकर 58 के आसपास दोस्तों। और दोस्त, इस स्कूटर पे एक खासियत चीज है, इस स्कूटर पे आपको कोई भी चाबी इंसर्ट करने का कोई पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि इस पे रिमोट कंट्रोल की आपको मिलेगा। होंडा एक्टिवा स्कूटर आप खरीदने सोच रहे हो आपका फैमिली के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो सीटिंग कॉम्फर्टनेस और इंजन स्मूथनेस बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, इसका जो टायर साइज आप देख सकते हो, टायर भी अच्छा खासा मिलेगा, सामने वाला 90x90 और पीछे की तरफ आपको मिलेगा 90x100 mm का टायर। टायर गिविंग भी बहुत ही अच्छा दिया है। और दोस्तों, होंडा एक्टिवा स्कूटर बहुत ही डिमांडेबल स्कूटर है, क्योंकि इस स्कूटर 20 साल पुराना स्कूटर है, नया साल पे भी इसका डिमांड हाई है। दोस्त, वीडियो का आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। होंडा एक्टिवा का जो बूट स्पेस आप दिखाऊंगा आपको, आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा 80 लीटर का, आप देख सकते हो। एक हाफ हेलमेट कैरी कर सकते हो, तो डॉक्यूमेंट वगैरह भी कैरी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्त, नेक्स्ट चीज दिखाऊंगा होंडा एक्टिवा का जो 8 स्मार्ट वेरियंट, ये है एक्टिवा का 8 स्मार्ट टॉप मॉडल। सो दोस्तों, इस स्कूटर का एक बेस वेरियंट पे है, वो है
होंडा एक्टिवा एसटीडी मॉडल। इसका प्राइस दोस्तों 96,000 से लेकर 98,000 के रुपीज के आसपास, बट इस पे आपको सिंपल बेसिक फीचर्स मिलेगा, आपका प्राइसिंग थोड़ा कम है तो आप इस स्कूटर को भी दोस्तों खरीद सकते हो। सो दोस्तों आपका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, आप एक स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की वाला स्कूटर खरीदने सोच रहे हो तो जो बहुत ही अच्छा माइलेज देगा और राइडिंग कंफर्टेबल भी मिलेगा जो फैमिली यूज एंड डेली यूज के लिए बेस्ट है, वो है होंडा एक्टिवा 8 स्मार्ट मॉडल। दोस्तों आप स्कूटर को जरूर खरीद सकते हो। इस स्कूटर का रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आपका राइट एंड लेफ्ट साइड पे, आप वो भी देख सकते हो। और दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और भी एक्टिवा के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। लेफ्ट साइड पे होंडा एक्टिवा का लेटेस्ट अपडेट वर्सन भी है, आप देखिए दोस्त आपके एक आइडिया आ जाएगा। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ।